नमस्कार, यम्मी पकवान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी का प्रसाद अंजीरी। उसके लिए हमने ले रखा 2 कटोरी आटा, 1 गेहूं का आटा है जो हम रोटी बनाते हैं, उसको हमने अच्छी तरह छान लिया है। ये हमारे डिनर सेट की कटोरी हैं, ये और ये बराबर ही है, एक जैसी हैं। इसी कटोरी से हमने ले रखा 2 कटोरी गेहूं का आटा, इसको हमने अच्छी तरह छान लिया है। और 1 कटोरी हमने ले रखा पीसी हुई चीनी, इसको हमने घर में पीस लिया है, साबुत चीनी थी। 2 चम्मच हमने बड़े घी ले रखा, 1/2 कटोरी हमने किशमिश ले रखा, 8 से 10 हमने काजू ले रखा, 8 से 10 हमने बादाम ले रखा, इसको हमने बारीक काट लिया है। 2 चम्मच हमने ले रखा मगज, जो खरबूजे का बीज होता है। 1/2 कटोरी हमने नारियल ले रखा, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको हम ग्राइंड करेंगे बाद में। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस हमने जला दिया है, कढ़ाई हमने रख दिया है, कढ़ाई हमने मीडियम की लिया है, थोड़ा भारी होती है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच घी, इसमें हम डाल देंगे बादाम, थोड़ा सा हम भूनेंगे इसको। थोड़ा सा हम काजू भी डाल देंगे। इसी के साथ हम किशमिश भी डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे खरबूजे का बीज। तो हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है कि कच्चापन दूर हो जाए। इससे हमारी पनीर बहुत टेस्टी बनेगी। घी हमारा बचा हुआ है, अब इसी में हम घी और डाल देंगे। पिघल गया है, अब हम डालेंगे आटा, जो हमने आटा छान के रखा हुआ है। अब हम इसको धीमी गैस पर चलाते रहेंगे अच्छी तरह। 6 से 7 मिनट हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है आटे का। अब हम गैस कर देंगे बंद, इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। गैस हमने बंद कर दिया, इसको हम थोड़ी देर ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं तो गैस पर है ये जल जाएगा नीचे से, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, बाकी चीज़ हम बाद में मिलाएंगे। पंजीरी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे पहले नारियल, इसको हमने दरदरा पीस लिया है। अब चीनी डालेंगे, याद रहे इसको ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, ठंडा हो जाए तब डालना है। अब जो इसमें हमने मेवा पीस के डाला था, दरदरा हमने पीसा हुआ है, ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं किया है। ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। जो चीज़ आपके पास ना हो उसको आप ना डालें, और कोई 1 कटोरी का नाप ले लें, उसी से हर चीज़ नाप लें, तो बहुत बढ़िया पंजीरी बनेगी। हम इसको अच्छी तरह मिला देंगे सारा। पंजीरी हमारी बनके तैयार है, पंजीरी बहुत टेस्टी बनी हुई है। और जब आप भोग लगाने जाएं तभी तुलसी का पत्ता रखें, उसके पहले तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।